मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक विद द न्यू ब्लॉग। सुबह की शुरुआत ग्रीन टी के साथ करते हैं। कोच, अब हमने थोड़ा सा प्रण लिया है कि अब हम अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाले हैं, तो सुबह की शुरुआत विद ग्रीन टी। एक चीज़ आप लोगों को दिखा देता हूँ, अभी खुशी सो रही है, उसे चल के पूछते हैं कि उसे ग्रीन टी पीनी है नहीं, तो उसका जवाब आप सुनना क्या कहेगी। वैसे को बोलती है नहीं नहीं ले लो बाबू, मैं पिया करूँगी। माचो गुड मॉर्निंग बेटा, ग्रीन टी लिया आपके लिए। बाबू ग्रीन टी, फैम पूरे फैम पूछ रहे हैं आपसे ग्रीन टी क्यों नहीं पीती हो दीदी, क्यों नहीं पीती हो? अच्छा देख के मोटिवेशन, बस हेल्थ के लिए अच्छा है देख के मोटिवेशन। तो घर में रखा होना जरूरी है इन चीज़ों का, खाना जरूरी नहीं है। मैंने पता किचन में सबको बोल दिया था, व्लॉग स्टार्ट करते हैं कि खुशी जाती है मुझे ये बात बोलेगी नहीं मैं नहीं पीनी। ऐसा क्यों करती हो आप? मारूँ आपको? चाय वाय नहीं मिलेगी, ग्रीन टी मिलेगी सिर्फ, पीनी हो तो बताओ। चाय नहीं मिलेगी फिर रहने दो, आज से चाय बंद है, बिल्कुल नहीं दूंगा मैं। इंटर ले लिया तो मेरी गुड मॉर्निंग तब हुई है, इन्होंने रात मेरे साथ धोखा किया। इन्होंने मुझे रात को 3 बजे फीवर की मेडिसिन के साथ सिट्राजिन दे दी, जिसकी वजह से मेरी आँख स्टिल नहीं खुल रही है क्योंकि उससे बहुत नींद आती है। ऐसा पता है इसने क्या, इसकी मानसिकता ऐसी सेट हो गई है कि अगर एंटी एनर्जिक देंगे या कुछ भी ऐसी टैबलेट देंगे तो मैं सो जाऊंगी, फिर मेरे से उठा नहीं जाएगा। और पता है मैं इसका इतना प्यार करता हूँ, बस सच बताऊँ आपको, मैं आपका इतना प्यार करता हूँ। मैंने ये तक भी कह दिया था कि बाबू मैं कुछ बना देता हूँ आपके लिए, पर मैं कितनी अच्छी पत्नी हूँ, मैं खुद उठी जब तक मैं पोहा। किस लिए उठी है तो बता दो सबको, क्योंकि मैं व्लॉग एडिट कर रहा था तो इसे लगा कि अभी टाइम लगेगा। तो पोहा बनाने में कुछ भी तगड़ा काम नहीं है, बस उसमें पानी डालना और बन जाएगा। चलो एक काम करते हैं, आप 3 कप कॉफी बनाओ मेरी बबजीत की अपनी एंड पोहा बनाना। अच्छा तो कॉफी पियो क्या आप? गैस? हाँ। मेरा भाई आज घर जा रहा है फाइनली। ये आदमी मेरे भाई को भगा रहे हैं। ये आदमी कौन है? मेरे पति। कहती अभी पिछले शॉट में कहती ये मेरा भाई आज घर जा रहा है, रोने वाला हूँ, और कहती फाइनली। नहीं बब्बा क्या हुआ? तो क्यों जा रहा है बताइए जरा। मेरी बात सुन, मेरा भाई घर जा रहा है फाइनली। इसे पता ही क्या मतलब का आज नहीं बाबा बर्थडे पे आया था, उसके बाद हमारी काफी मेमोरीज हो गई साथ में। बाबा जब राजा हुआ तब आया था और कोशिश ये रहती है जाना भूल गया। बाबू को आए हुए कम से कम तो 3-4 साल। तो बबजीत लगभग आता है फिर जाते नाम नहीं लेता। बबजीत आया था और जाना भूल गया, ट्रेन इसकी छूट गई, उसके बाद अबकी बार इसने बढ़िया करा लिया, लेकिन अबकी बार इसने अपना फायदा करा लिया, गाना ही शूट करवा लिया अपना। आपने प्रेम, आप इसलिए मेरा इतना प्यार कर दे रहे हो। मम्मी दीदी राजा एंड यू वी चारों हमारे पास आ रहे हैं यहीं पे चंडीगढ़, कुछ दिन के लिए एंजॉय करेंगे हम लोग, एंड आप लोगों को सारे लोग देखने में मिलेंगे। वाओ मेरी वाइफ इतनी काम करती है कि इसे डेस्कटॉप को साफ करती रहती है। ओ, ओ। यार ये देखो कितना मजा आ रहा है मनीष देख के। टोक्यो का मरना मतलब मेरा सब खत्म हो गया। मुझे ज्यादा बुरा वो लगा प्रोफेसर पे टूटता। मैंने तो कहा था ना कि मेरा फेवरेट कैरेक्टर था टोक्यो, से कैरेक्टर था लेकिन मेरा रियो। रियो छी जेलेसी के लिए कहती हूँ। हाँ बेटा किस लिए कह रहे हो? डैनवर और रियो। हाँ कूल बाय सोड़े मुंडे डैनवर और रियो, जैसे आपको टोक्यो पसंद थी। नहीं लेकिन मुझे वो भी मोनिका कस्टम भी अच्छी लगती है। और कोई तीसरा ढंग उसमें बचा नहीं जिसका वो प्रोफेसर मॉस्को नो प्रोफेसर बूढ़ा मॉस्को क्या काम कर रहा है भाई। अच्छा व्लॉग एडिट करता हूँ तब हेल्प करती हो मेरी? हाँ। इतनी जल्दी कहाँ लग रही है जाने की? जो छोड़ना जाएगा वो तो अंदर है, जो बाहर जाने की इतनी जल्दी लग रही है। पर इस मेरे को पता है ज़्यादा बुरा इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि मैं अभी जल्दी आ जाऊँगा, और जो जाता है ना उसको इतना बुरा नहीं लगता, जो जिसके घर से जाता है उस घर वालों को ज़्यादा बुरा लगता है। 23 तारीख में क्या रखा है वैसे दिन में से भी? लव यू मेरे शेर, मिलते हैं 23 को तेरा एज योर प्रोमिस मेरी जान, ठीक है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बाय बाय बाय, लव यू मेरे बाबू। मैं बबजीत को छोड़ के वापस आ चुका हूँ, इतना मतलब अजीब सा फील होने लगा, बिकॉज अब खुशी और मैं ही रह गए हैं जिस घर पे, तो हम लोग भी प्लान कर रहे हैं में कुछ। तो अभी हम लोग करने लगे हैं मैडम क्यूरी की वीडियो शूट, उसके लिए हमने कैमरा लगा दिया है एंड मैम भी बैठ चुकी है। हाँ जी मैम, आपको कैसा लग रहा है? नाइस लग रहा है। मैम आप कुछ कहना चाहोगे वीडियो शूट करने से पहले?
मैं कहना चाहूंगी प्लीज गाइस मेरी वीडियो देखना जाके खुशी रहो यूट्यूब चैनल पर, पता नहीं इस व्लॉग के पहले आई होगी या नहीं, लेकिन आप प्लीज मैम हमारी वीडियो अपनी वीडियो में हमारे बारे में कह देना। कोल्ड कॉफी भी हो गया है आपके पास? ग्रीन टी पीनी है? नींद उड़ जाएगी एकदम। ग्रीन टी से क्यों डरती हो आप? मुझे नहीं अच्छी लगती। तो फिर और ऐसे बोलो कि आप ही मेरी जिंदगी हो। आप ही मेरी जिंदगी हो और मैं मेरी जिंदगी से बहुत दुखी हूँ। सारे सड़े जोक मारने बंद कर दे, कुछ नया लेके आ, समझ गई? मैडम क्यूरी ने वीडियो कितनी देर से शूट कर रहे हो बेटा? अभी स्टार्ट करी है, करी भी नहीं? गोबर Dodging the dribble that they trying to throw my way. I think I figured that them figures out to get you. Let them pull the strings that trigger what you say. Think it's difficult to get. So itne upar rehne ka yahi fayda hai. Hum log 10th floor pe rehte hain. Itni sahi hawa chal rahi hai. Khushi ki video bhi shoot ho hi rahi thi. To Khushi apna hairs bana rahi hai. Kyunki aap logon ne vlog mein dekha hoga, isne thoda time liya tha hair banate hue. To jab tak maine socha ek short leke aap logon ko dikha deta hu. Bhai sahi mein samne road chal rahi hai, highway mein matlab. और यहाँ से इतना सही फील आ रहा है, आई मीन इस टाइम खड़े होकर आप लोग देख सकते हो कितनी सही हवा चल रही है। वाह, बादल कितने अच्छे हो रहे हैं पीछे। तो मैं कल आप लोगों को एक छोटा शॉट लेके आया, जब भी देखेंगे मैं जरूर दिखाऊंगा, ये देखो। तो फिलहाल मैं जिम में आ चुका हूँ एंड अभी आप लोग देख सकते हो क्या हालात चल रहे हैं जिम के। कोई सिंगल बंदा अभी जिम में नहीं है। मुझे केले को वर्कआउट करना पड़ेगा लेके हनुमान जी का नाम। चलिए शुरू करते हैं। On my brain, I wish life wasn't any other way, but it's all side roads to nowhere, and I can't find a map that seemed to my. मैं वर्कआउट करके घर पे आ चुका हूँ एंड मेरी डाइट मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि मैं सुबह ग्रीन टी से स्टार्ट कर रहा हूँ एंड उसके बाद थोड़ा बहुत जो भी खाने में हुआ राइस वगैरह प्रोटीन के लिए लाइक पनीर वगैरह, तो वो चीज़ मैं मैनेज करूँगा। लेकिन उसके बाद वर्कआउट से आने के बाद, जिम से आने के बाद मैं क्या लेने वाला हूँ आप लोगों को दिखा देता हूँ। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, पीनट बटर विद ब्रेड, बनाना विद ब्रेड, एक प्रोटीन, क्योंकि अभी मेरा शेकर नहीं है तो मैं अभी ग्लास से काम चला रहा हूँ। एंड उसके बाद ये 200 ग्राम टोफू है, हम इसमें जस्ट 100 ग्राम यूज़ करेंगे, 100 ग्राम कल के लिए रखेंगे। मैं चाहती तो मैं भविष्यवाणी बाबा बन सकती थी, क्योंकि मैंने सुबह ही बाबूजीत को बोला था जबकि जब धूप थी कि आज पक्का बारिश आएगी आएगी, और बारिश आ गई। गाइस प्लीज आप नीचे कमेंट करके बताओ कि आप किसे चाहते हो कि वो व्लॉग में दिखे, तो वही बंदा व्लॉग किया करेगा। ठीक है, ठीक है, मेरे लिए कमेंट करके बता दो जरा खुशी को एक बार। बहुत ज्यादा बारिश हो रही बाहर, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। सो मेरा कॉफी पीने का मन हो गया, तो मैं कॉफी बनाऊं। थैंक यू इतना सारा प्यार करने के लिए। सो अभी एक बार राजा को कॉल मिलाते हैं, पकड़ो। माँ नमस्ते। नमस्ते माँ। राजा छोनी, माम जी का कैसा है अभी तबीयत? माम जी, माम बेटा, हाय मेरा बेटा गुल्लू। राजा देखो, 3 2 1। अभी मोटी जो है वो सो गई थी। मोटी क्यों सो गई थी? बहुत मेरे पर डाल दे बात भी। किस चीज का सर है? मैं से सिपला जिन देता हूँ उससे बढ़िया पार्टनर मिल जाता है। पता है सबसे बड़ा पार्टनर क्यों मिल जाता है ऐसे? कि बढ़िया एक्सक्यूज, बाबू मुझे ना नींद आ गई, क्योंकि ना आपने क्या दिया था सिपला जिन। अब भी देखो कैसा है बड़ा। अभी बच चुके हैं रात के 2 एंड खुशी गई है सो। मैंने एक व्लॉग एडिट कर दिया, आई मीन खुशी की जो वीडियो है वो एडिट कर दी है। लेकिन अभी मेन चैनल मिस्टर एमसी चौधरी का जो मम्मी का बर्थडे वाला व्लॉग है वो एडिट करना अभी रह रहा है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, 2:15 बज चुके हैं ऑलरेडी और मुझे नींद आ रही है बहुत तेज़। तो मैं सोच रहा हूँ अभी सो जाता हूँ 6 बजे का अलार्म लगा के, फिर 6 बजे उठूँगा एंड फिर मैं सुबह एडिट कर दूँगा। 2 घंटे में ट्राई करूँगा कि हो जाए ठीक, 8 बजे व्लॉग डाल दूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग गाइस। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर करो दबा के व्लॉग्स को। एंड हाँ, राजा माँ दीदी एंड यू भी हमारे पास आने वाला है यहीं पर, तो उसका भी वेट करना कब आ रहा है, या हम लोग जाएँगे या वो लोग आएँगे। कोस पापा के बर्थडे पर तो हम पक्का जा रहे हैं, तो पता लग जाएगा कि that exists between our lack to say, but I always wanna spend my time with you.